अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार अली बबर की जानिब से डिजिटल मीडिया की तमाम फैमिली को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज ये गुलाब के फूलों के बाग में देखकर यकीनी तौर पर कुछ लोगों को हैरानगी हो रही होगी, हैरानगी होनी भी चाहिए। आज मैं सिंध के शहर हैदराबाद के ज़िले के पसमानदा एक इलाके में आया हूँ, एक गाँव में आया हूँ जो गुलाबों का इलाका कहलाता है, जो डिस्ट्रिक्ट तो हैदराबाद ही लगता है लेकिन ये उसके मजाफात का इलाका है और यहाँ पर गुलाबों की काश्त की जाती है, बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है और सिंध में तकरीबन पूरे सिंध में गुलाब यहीं से तकसीम किए जाते हैं और यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़ों का हमें इदराक हुआ, कुछ चीज़ें हमने देखी, कुछ चीज़ें नोट की। इलेक्शन का टाइम है, पीपल्स पार्टी के मुस्तकिल सूबाई हुकूमत को 15 साल हो चुके हैं और 5 साल तक वो मरकज में वफाक में हुकूमत रही, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को हमने देखा वो आज तक बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ पर पक्की रोड नहीं है, गैस का सिस्टम नहीं है। हम शहरी इलाकों की तो सिंध की बात करते हैं, कराची हैदराबाद के मसाइल की, लेकिन इन देहातों के जहाँ से पीपल्स पार्टी को पेवर वोट मिलता है वहाँ की हम कभी बात नहीं करते, वहाँ की चीज़ों को नहीं देखते। अगर इनको ज़राई कर्ज दिए जाएं और इन लोगों की काश्त को प्रोफेशनल तरीके से अपडेट किया जाए तो यहाँ के लोगों की ना सिर्फ इलाके के हिसाब से इनकम बढ़ सकती है, अर्निंग बढ़ सकती है, बल्कि सस्ते फूल सस्ती काश्त पाकिस्तान सिंध के दीगर शहरों में इलाकों में भी जा सकती है और हम एक्सपोर्ट करके से खतीर तादाद में ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जब लोगों को देखा तो उनके पास काफ़ी बुनियादी सहूलियात भी नहीं थी, जैसे कि लाइट, साफ पानी पीने का, हॉस्पिटल, स्कूल, कोई ऐसी बुनियादी सहूलतें नहीं है। ये जबकि सिंध के एक्टिव तरीन मिनिस्टर साबिक शर्जील इनाम मेमन का भाई हल्का है, यहाँ से वो MP की सीट जीत कर सिंध असेंबली में जाते हैं और उसके बाद जाके वो 3 4 5 6 7 मिनिस्ट्रियों पे बैठते हैं और फिर वो पूरे सिंध को लीड करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी भी कोई बुनियादी सहूलत उस तरह मौजूद नहीं है जैसी कि होनी चाहिए थी। आज का आपका ये प्रोग्राम आउटडोर में दिखाने का मकसद ये सिर्फ था कि हम शहरी इलाकों को डिस्कस करते हैं लेकिन देहातों की ये साइड हमने कभी कवर नहीं की। इस चीज़ पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, आने वाले वक्त में इस चीज़ पर भी पीपल्स पार्टी को अपनी मैनिफेस्टो में कम अज़ कम रखना चाहिए कि सिंध के देहातों के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई हाउसिंग स्कीम है, कोई लोन की स्कीम है, कोई ज़राई कर्ज़ है, कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी स्कीम है कि जिससे गाँव देहात के लोग वहाँ अपने इलाकों में जाकर सही तरीके से अपने रोज़गार का बेहतर बंदोबस्त कर सकें और उनको शहरों में माइग्रेट ना करके आना पड़े, ना इलाज के लिए, ना रोज़गार के लिए, ना किसी और काम के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस तजवीज़ पर बहुत सारे लोग अमल करेंगे, संजीदगी से देखेंगे। आपको ये तजवीज़ जैसी भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।